कलाम जो मैंने अभी चंद अरसे पहले पढ़ा था, आपके वतन हैदराबाद से ताल्लुक रखता है, तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कभी हैदराबाद के मजमे के सामने पढ़ूं, और वैसे ही पढ़ूं जैसे शायर ने इसको पढ़ा है। जनाबे अभी जो मौला अली का नारा उन्होंने लगाया, तो एक ख्याल मुझे भी आया कि आज इस कलाम से इब्तिदा की जाए कि महफिल सजानी चाहिए जिक्र अली के साथ। नारा सलावत अल्लाह, मरहूम शायर जनाब सईद शहीदी साहब का ये कलाम है। मरहूम अल्लामा इरफान दराबदी साहब को ये कलाम बड़ा पसंद था जो मैं पेश कर रहा हूँ, और उन्हीं के अंदाज़ में पढ़ूँगा जो हमारी यूपी का और हैदराबाद का एक ख़ास अंदाज है। मैं अपने बुज़ुर्गों से कहूँगा कि आप बताइएगा कि मैंने सबक कैसा दोहराया है। तो जनाब क़िबला मौलाना सैयद ज़ैगम रिज़वी साहब क़िबला की आमद से पहले मैं पेश कर रहा हूँ कि मेरे लपा है सुबह मसाया अली, तैयार है ना आप, कि मेरे लपा है सुबह मसाया अली, या अली या अली या अली या अली, सब मिलके बोलो मेरे लपा है सुबह मसाया अली, या अली या अली या अली, बंदा परवर यही है वजीफा मेरा, या अली या अली या अली या अली, आप माने न माने हकीकत है ये, आप माने न माने हकीकत है ये, खुद असर पेशवाई को आ जाएगा, देखिए कह के एक बार बाद दुआ, या अली या अली या अली या अली, मेरे लपा है सुबह अली। मेरी बाली पे जब आया मौला मेरा, हाय हाय सुनिएगा, कल मैंने एक जुमला कहा था, जिंदगी की गाड़ी है, कोई बुध को उतरेगा कोई जुमेरात को उतरेगा, उतरना सबने है, और जो उतरा और उसके साथ अगर ये मंजर पेश आ गया तो जीवन भी संवर गया और जिंदगी के बाद मौत भी संवर गई। कि मेरी बाली पे जब आया मौला मेरा, नजा की मुश्किलें सारी आसान हुई, अरे सर को रख कर कदम पर जो मैंने कहा, या अली या अली या अली या अली या अली या अली अली या अली, अरे भाई माशाल्लाह, या अली या अली या अली, और है जमाना मुखालिफ तो होता है क्या। देखिए मैं उसी अंदाज में पढ़ रहा हूँ क़िबला, क्योंकि मेरे वालदैन का भी ताल्लुक यूपी से था, तो यूपी की शुद्ध बुद्ध रखता हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है, उसको पेश कर रहा हूँ। है जमाना 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 मुखालिफ तो होता है क्या, मुझको मतलक जमाने की परवाह नहीं, सांस जब तक है बाकी कहे जाऊंगा, या अली या अली या अली या अली या अली या
अली याली 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 अली याली के बू अली शाह कलंदर, बू अली शाह कलंदर एक पांव पे खड़ा है, एक पांव पे खड़ा है, 11 साल खड़ा रहा, अली बना दे, अली बना दे, अली बना दे, अली बना दे, आवाज़े कुदरत आई, अली नहीं बन सकता। तो पूछा, मेरे मालिक अली क्यों नहीं बन सकता? कहा, अली एक था, बन गया, इसके बाद अली मुझसे नहीं बन सकता। कहा, क्यों? कहने, अगर अली बनाऊं तो फिर नई जहरा बनानी पड़ेगी, नया काबा बनाना पड़ेगा, नया काबा बनाना पड़ेगा। तो पेश कर रहा हूं शेर, देखिएगा। या अली या अली या अली या अली। और ये एतमाद है कि जो फर्श अज़ा की राह से गुजर गया, मैंने शेर अज़ा का खिताब दिया है सैयद तालिब अली हुसैन मूसवी को, शेर अज़ा याद रखिएगा, क्योंकि जिसके बेटे हो आप उसका बेटा शेर जैसा होता है। और वो वस्फ है कि बाप चला गया ज़माने से, लेकिन बाप की सबसे बड़ी मेराज क्या है? कि उसका बेटा उसके नक्शे कदम पर चलता हुआ दिखाई दे। इससे बड़ी जजा दुनिया में कोई नहीं है। तो शेर अज़ा तालिब अली हुसैन मूसवी, शेर सुनो बेटा। के बाबे जन्नत पे जिस वक्त देखा मुझे, ए मौला एक अज़ादार की दुनिया में इतनी इज्जत, तो बाबे जन्नत पे जिस वक्त देखा मुझे, रास्ता दे दिया हट के रिजवान ने। आए आए, अरे मातमी हो मातमी मिलके, कल तारीखी मातमदारी होगी इंशाल्लाह, तारीखी मौजा होगा इस इमाम बारगाह के अंदर, मेरी बात याद रखिएगा। जरा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूं कि बाग जन्नत पे जिस वक्त देखा मुझे, रास्ता दे दिया हट के रिजवान ने। मौला आपकी मदह का ये मिला है सिला, या अली 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 या अली। और जब ये पूछा गया, अब तो अब जो जब तक अब तक पीछे वाले नहीं बोले, अब इंशाल्लाह इस पर बोलेंगे, जरा देखिएगा। कि जब ये पूछा गया कि इसका मतलब है क्या, जब ये पूछा गया इसका मतलब है क्या, कुल कफा हल अता इन्नमाला फता, कुल कफा हल अता इन्नमाला फता। सुनिएगा कि जब ये पूछा गया, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जब ये पूछा गया इसका मतलब है क्या, कुल कफा हल अता इन्नमाला फता, तुम मुस्कुरा कर जवाबन में ये कहता रहा, या अली या अली या अली या अली जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। अली ये अली ये अली ये अली ये अली ये, बड़ी बहस होती है कि अली ये अली ये अली ये, एक नौजवान अली अली अली, मैंने कहा बताओ अब्बा क्या सोच रहे हैं? कहने, मुझे क्या पता, मैंने बाप समझ में नहीं आ रहा। अभी लोगों को बाप समझ में नहीं आ रहा,
सगा दोस्त समझ भी नहीं आ रहा, अपनी जौजा समझ में नहीं आ रही और फैमिली इसको समझ नहीं पा रही। मसला ये है कि फैमिली इसको भी समझ नहीं पा रही, जो खुद अली की समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी है क्या। मैं पेश कर रहा हूं कि आप क्या हैं, बस दो बात सुन लीजिए, आप क्या हैं, हकीकत है क्या आपकी, खुद मशीयत कभी है इशारा यही, अरे मुस्तफा को भी मुश्किल में कहना पड़ा या अली 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 या अली। जज़ाकअल्लाह। और आखिर में जज़ाकअल्लाह, और आखिरी बंद सुन लीजिए, इसके बाद मौलाना साहब का इंशाल्लाह नौखानी। और आखिरी बंद सुन लीजिए, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। जियो माशाल्लाह, बड़ी जिंदा महफिल है, बड़ी जिंदा महफिल है। अली अली अली, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। अब मैं पेश करूं, सलावत अल्लाह। आखिरी बंद सुन लीजिए, अजीब व गरीब बंद है। आखिरी बंद सुन लीजिए, अजीब व गरीब बंद है। अपने बेटे अली शनावर अली जी को लेके मुझे बड़ा नाज है कि मैं हैदराबाद आया हूँ, ताकि वो ये देखें कि कल की जो महफिल थी आखिरी आदमी तक मातम कर रहा था, आखिरी आदमी तक। और ये मैंने कहा है, हर जगह कहा है कि मातम के दरमियान मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करो, अल्लाह जाने किसके बराबर में मालिक के अश्तर खड़े हों। तो हम सबको दुनिया से जाना है, लेकिन जब हुसैन का मातमी, जब हुसैन का मातमी कब्र में जाएगा तो क्या बात होगी कि जैसे ही मुनकिन नकीर आए तो विर्द करने लगा मैं जो नादे अली। जज़ाकअल्लाह। अली 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 अली, विर्द करने लगा अली 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 अली, विर्द करने लगा जो मैं ना दे अली, भूल बैठे फरिश्ते जो था पूछना। आए, आए, आए। के विर्द करने लगा, विर्द करने लगा जो मैं ना दे अली, भूल बैठे फरिश्ते। मिस्रा सुनना, आखिरी आदमी तक बोलोगे। भूल बैठे फरिश्ते जो था पूछना, वो भी कहने लगे, मैं भी कहने लगा या अली 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 या अली। हैदर 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 हैदर।
जज़ाकअल्लाह। जितने मेरे बच्चे आज किसी ने बताया, कोई बेंगलोर से आया है, कोई नागपुर से आया है, कोई बम्बई से आया है, अल्लाह जाने कहाँ कहाँ से आए हैं। जितने मेरे अली शनावर अली जी हैं, अल्लाह तुम्हारे माओ के कलेजों को ठंडा रखे, शाद रहो। अपने उस्ताद का कलाम दो तीन शेर, मैं इतना पढ़ने का आदी नहीं हूँ, ज़रूरत के तहत पढ़ता हूँ, मगर मैं 20,000 मील से 5 मिनट के लिए नहीं आया, तो कुछ बात करके लिए जाऊँगा इंशाल्लाह, आपकी इजाज़त है अली हुसैन साहब। एक कलाम मैं अपने उस्ताद जनाब अली मोहम्मद सच्चे साहब का पढ़ रहा हूँ, तो इस कलाम का आगाज़ ही बीबी ज़हरा सरकार सलामुल्लाह अलैहा से। फातिमा के चैन ने, मेरी भाई देखिएगा, फातिमा के चैन ने नबी के नूरे ऐन ने, फातिमा के चैन ने नबी के नूरे ऐन ने, बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने नबी के नूरे ऐन ने, बाखुदा हुसैन ने लिया। कि 1,00,000 कलमा पढ़ने वाले थे मदीने में, कितने, जरा सा एको कम कीजिएगा, 1,00,000 कलमा पढ़ने वाले थे मदीने में, नऊजुबिल्ला यजीद मिंबर पे बैठा और कुरान पर शराब रखी और कहता है कि कोई वही नहीं आई थी, नऊजुबिल्ला कोई वही नहीं आई थी, मेरे मुंह में खा खाकिम बहलान कहता है कि बनी हाशिम ने कुर्सी के चक्कर में ये ढोंग रचाया था। अरबी अदब में आज भी उसके ये लफ्ज मौजूद हैं। तो क्या हुआ कि हर्फ आ रहा था दीन मुस्तफ़ा के नाम पर, मिंबरे रसूल बिक रहा था तख्त शाम पर, तो दीन के उसूल ने नाइबे रसूल ने जिंदगी का कर्ज अपने खून से चुका दिया, दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने नबी के नूर ऐन ने, बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। और अमीर शाम बन गया था सांप आस्तीन का, खुसरवी के सर पे रख रहा था ताज दीन का, तो बादशाह दीन ने एक बोरिया नशीन ने उम्मत मोहम्मदी को ख्वाब से जगा दिया, दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने नबी के नूर ऐन ने, बा खुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। कि फिर से शिर्क की तरफ पलट न जाए आदमी, राह मुस्तकीम से भटक न जाए आदमी, शाह तिश्ना काम ने वक्त के इमाम ने हक की राह पर लहू से एक दिया जला दिया, दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने नबी के नूर ऐन ने, बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, देखिएगा कि बढ़ते बढ़ते बात जब उसूल दीन पे आ गई, और यजीदियत की शक्ल में उरूज पा गई, बढ़ के फिर दलेर ने फातिमा के चैन ने एक पहर में तख्त ताज शाम को हिला दिया, दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने नबी के नूर ऐन ने, बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। नारा हैदरी।